बिग बॉस में एक और एलिमिनेशन डन एंड ये जो एलिमिनेशन है ये काफी लोगों को डेफिनेटली दुखी करने वाला है बिकॉज काफी लोगों के एस्पिरेशंस और उम्मीद जो थे वो इस एलिमिनेशन के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे प्लीज बताइए सबसे पहले कि घर पे जो बाकी लोग थे, आप भी ये चीज मानते हो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एडुकेशन था उनका, एक पढ़ाई था, आप बहुत ही रूटेड समाज से आए हो, अपने नाम बढ़ा के आप खुद आगे बढ़े हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिकॉज आपका एक सर्टेन बैकग्राउंड है, एक देसी वाला वाइब है, उसको मे बी एक मुद्दा बनाया गया, आपको एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया उसके लिए? यही बात है कि मुझे सॉफ्ट टारगेट बना के लोग नॉमिनेट कर देते थे, एक मुद्दा दे देते थे मेरी आवाज को लेके, क्योंकि गांव गांव से सिर्फ मैं ही एक ऐसी लड़की थी जो गांव से थी, बाद बाकी सब शहर के थे, सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे, सब बड़े बड़े लोग, एक हम ठहरे वहाँ सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे और मजदूरी करके तो पढ़ाई लिखाई जैसे भी की, क्योंकि मेरे पापा जी नहीं है, भाई भी नहीं है, मम्मी की चार बेटियां हैं, मम्मी की चार बेटियां में कोई भी लड़की नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं चौथी लड़की मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, जितनी भी पढ़ी अपनी मेहनत से पढ़ी हूँ और वहां तक गई हूँ बिग बॉस के घर में। सबसे पहले तो मैं बिग बॉस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बुलाया इस लायक समझा कि मैं वहां नाम बना कर आई हूँ। मुझे एक चीज बताइए कि अरमान जो है उन्होंने काफी इधर का बात उधर किया, राइट? एंड वो आप भी मानते हो कि उन्होंने किया। एक जी चीज जो मैंने भी देखा इधर का बात उधर करते हो वो ये था कि सना ने बोला था आपको कि वो अगर ये कंपटीशन नहीं जीतती तो जी वो डिप्रेशन में चली जाएगी, राइट? हाँ एंड ये चीज आपने जाके आगे बताया जिसके वजह से अरमान ने उस चीज का मजाक भी उड़ाया, राइट? जी तो आपको कहीं ना कहीं ये गलत नहीं लगता कि आपने जो किया? आपको मैं बताऊं कि मैंने जब मैं सना मकबूल बोली थी, मैंने पहले गई थी मैं अरमान वीरा के पास, ऐसा टास्क था कि उसमें ये होता था कि आप मेरे इलेक्शन में आओ, आप मुझे जिताओ, ये वाला टास्क था। तो मैं अरमान भाई के पास गई तो मैंने बोला कि अरमान भैया आप मेरे इलेक्शन में आओगे, वोट मंगवाओगे? तो बोलते हैं कि अभी मैं सोचूंगा। फिर बोलते हैं कि अगर सना मकबूल नहीं आई, सना मकबूल आई तो मैं नहीं आऊंगा, ये उनके शब्द थे। तो अभी तुम देखो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है, मुझे ये बोले। तो सना मकबूल, मुझे तो उम्मीद थी कि सना मकबूल जरूर आएंगी मेरे साथ, क्योंकि वो ये बोलती थी ना कि लड़की को मैं सपोर्ट करती हूँ, लड़की एक आगे बढ़नी चाहिए, तो वही मेरे दिमाग में सब चल रहा था। फिर तुरंत मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ सना मकबूल बुलाती हूँ, बोलती मैं तेरी इलेक्शन में नहीं आ रही हूँ, विशाल और लव कटारिया के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, देखती हूँ किसके बीच में जाती हूँ। फिर ये बात होते होते अरमान भैया मेरे साथ, अरमान भैया के जो टीम में थे चार लोग वो मेरे साथ आ गए, वो मेरे साथ आ गए तो उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ गया, एक लड़की को तुमने सपोर्ट नहीं किया, मतलब अरमान भैया उस काने का काम कर रहे थे, आग जलती आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पाई उस चीज को और मैं उनकी बातों में बहक गई, और मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि जा पूछ क्या क्या मुद्दा दिया, क्यों नहीं आई, क्यों मुद्दा दिया। तो मैं पूछने भी नहीं जा रही थी, मैंने कहा हाँ पूछूंगी पूछूंगी, 2-3 बार ये बात। फिर मैंने जब पूछा तब ये बोले कि मुझे तुम्हारी लेक्चर अच्छे नहीं लगे, ये अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं उसने यही बोल दिया कि देखो मैं, हमने कहा तुम अपने आप को देखती हो, मैं जीत जाऊं, तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मैंने ये बोला था सना मकबूल को। तो बोलती है कि मैं जीतने आई हूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे मैं गेम खेल रही हूँ, मैं हारती हुई नहीं अपने आप को देख सकती हूँ, मैं शायद डिप्रेशन में चली जाऊँ, उसने ये बोला। तो अरमान भाई हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मैंने ये बोल दिया कि उसने ये मुझे बोला। तो अब उसने बोला तो अरमान भाई एकदम इसका टॉपिक ही बना देते हैं, ये उनकी गलती है ना कि अगर कोई बता रहा है तुम इसका टॉपिक मत बनाओ। बिल्कुल सही कहा। और एक चीज मुझे बताइए कि सना हमेशा से पहले से ही बोलती आ रही है कि मैं इधर जीतने के लिए आई हूँ और मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, राइट? बट सना कौन होती है आपको या किसी और को ये बताने के लिए कि तुम डिजर्विंग नहीं हो जीतने के लिए? वो तो बिग बॉस वाले फैसला करेंगे, ऑडियंस फैसला करेगी, राइट? तो एक खुद औरत होके वो अगर आपको बताती है, एक तरफ वो अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलती है तो उसको सारे लड़कियों के लिए, सारे औरतों के लिए खड़े रहना चाहिए, राइट? वो कौन होती है ये बताने के लिए कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम इधर तक आ गए? मतलब वो बहुत बड़ी बात है, आपको उस चीज का बुरा नहीं लगा? हाँ ये मुझे थोड़ा सा खराब लगा, तब मुझे ये बोले कि तुम इधर, मैंने कहा बताओ तुम मुझे मेरा सपोर्ट करती तो अच्छी बात नहीं। तो बोलती है कि मुझे ये सवाल मत करो, ये सवाल करो कि तुम मुझे कहाँ तक देखती हो। तो मैंने उससे ये पूछा बताओ सना तुम मुझे कहाँ तक देखती हो, तो बोलती है कि तुम यहाँ तक आई हो शिवानी ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ये बताओ मैं आगे जा सकती हूँ या नहीं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था कि फिर
फिर मुझे लगा कि वो देखती नहीं है मुझे आगे, तो फिर मैं क्या, मेरा सवाल ही खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा घर में आपको नकली इंसान कौन लगता है, जो कि एड़ा बन के बिना खाता एक कहावत है ना, वो कौन लगता है आपको घर के अंदर? वो तो मुझे नेजी भाई लगते हैं। नेजी भाई लगते हैं। नेजी का इन्वॉल्वमेंट हार्डली रहा है गेम में, एंड कॉन्फ्रेंस में भी वो चीज का बात हुआ कि तुम मतलब हार्डली, वो ऑलमोस्ट सोते सोते इतने आगे तक आ गए, जो कि सिर्फ एक या दो इंसान का ओपिनियन नहीं है, बहुत लोगों का ओपिनियन है। मेरे को कल को जाके अगर वो मेरे साथ बैठते, मैं भी उनको वही चीज बोलने वाला। आपको लगता नहीं है कि वो आपके पहले निकलने जाने चाहिए थे? जी, क्योंकि वो यही है कि अगर उनसे कोई बात करते, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो हाँ भाई हाँ यही होता, ऐसे बोलते थे। उनको कोई भी कुछ भी बोलता तो उसमें हाँ में हाँ मिला देते थे, तो उनको वो एकदम सेफ हो जाते थे कि उसने हाँ तो बोला। एक आखिरी सवाल वो ये रहेगा कि घर के बाहर जब पायल निकली तो उसने बहुत कुछ बोला कि यू नो अभी मैं डिवोर्स करने वाली हूँ, ये हो वो हो, मुझे अभी इन लोग के साथ नहीं रहना एक्सेट्रा, बहुत कुछ उसने ये सब बोला। पर्सनली बहुत लोगों को लगता है कि ये कॉन्टेंट के लिए है, बिकॉज अगेन वो सब वीडियोज जाता है, लोग मिलियंस में देखते हैं, ऑफकोर्स यूट्यूब से पैसे आते, अल्टीमेटली जाके वो सुलझा भी लेती है। आपको ये नौटंकी या दिखावा नहीं लगता? नौटंकी दिखावा तो करती है, अभी यही बोल रही थी कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, और अरमान भैया कह रहे हैं कि ये वो कुछ नहीं व्यूज के लिए करता, तो मुझे यही नहीं पता, समझ में आता है कि वो जनता को बिल्कुल पागल ही बनाते हैं व्यूज के चक्कर में, उनके लिए बस व्यूज मैटर करते हैं, जनता मैटर नहीं करती। तीनों के तीनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं व्यूज के चक्कर में, और क्या, जनता को बेवकूफ ही बना रहे हैं, वो जनता को भी दिखता है। लास्ट सवाल, आपके हिसाब से जीतना कौन चाहिए? जीतना कौन चाहिए? मेरी टीम में से कोई भी जीत जाए, मेरी टीम के दो लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, ऑन दैट नोट, ये शिवानी जी के लिए पहला तोहफा उनके घर के बाहर निकलने के बाद, खुश करना लोगों का हम लोग का फर्ज है, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू, एंड आई होप आप आगे जाके जिंदगी में और तरक्की करो, एंड आप बहुत ही बड़े पर्सनालिटी बनो, अपने गाँव का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो विद योर होस्ट शुभजीत, शिवानी कुमारी ओवर हियर, ढेर सारा प्यार दो, बिग बॉस देखते रहो, और फिनाले में अपने कंटेस्टेंट को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।